हरे कृष्णा। दोस्तों, आज की वीडियो में हम जानेंगे कि आखिर क्यों भगवान कृष्ण को 56 व्यंजनों का भोग लगाया जाता है, 50, 55 या फिर 60 व्यंजनों का भोग क्यों नहीं लगता। तो इसके लिए वीडियो को अंत तक जरूर देखें। इस बात का संबंध एक बेहद ही रोचक घटना से जुड़ा हुआ है। भगवान कृष्ण ने गोवर्धन पर्वत को अपने बाएं हाथ की सबसे छोटी यानी कनिष्ठा उंगली पर उठाया था। इसे भगवान की गोवर्धन पर्वत लीला कहा जाता है। श्री कृष्ण जब छोटे थे तब उन्होंने ज्ञान और तर्कों से सभी ब्रजवासियों को अपनी बात से सहमत कर लिया था। ब्रजवासी इंद्रदेव की पूजा बंद करके गिरिराज जी की पूजा करने को मान गए थे। बता दें कि इससे पहले वो सब परंपरा अनुसार इंद्रदेव की पूजा करते थे ताकि उनके यहाँ अन्न जल की कभी कमी न रहे और सब कुछ अच्छे से चलता रहे। अब ब्रजवासी जो व्यंजन इंद्रदेव के लिए बनाकर लाए थे उसे गिरिराज जी को अर्पित कर दिया गया। जब इंद्रदेव को इसके बारे में पता चला कि एक बालक यानी कृष्ण के कहने पर सब लोगों ने उनकी पूजा बंद कर दी और उनकी जगह पर अब गोवर्धन पर्वत की पूजा करने का निर्णय लिया है, तो इस पर उन्हें बेहद गुस्सा आया। इंद्रदेव ने अपमानित महसूस करते हुए सभी ब्रजवासियों को सबक सिखाने का निर्णय लिया। इंद्र ने ब्रज में मूसलाधार बारिश करवा दी और हर तरफ प्रलय मचा दी। तो यह वही समय था जब श्री कृष्ण ने इंद्र के प्रकोप से सबको बचाने के लिए गोवर्धन पर्वत को उठाया था और सभी ब्रजवासियों को उसकी शरण प्रदान की थी। श्री कृष्ण ने उस पर्वत को यूं ही 7 दिन तक लगातार उठाए रखा और उस दौरान अन्न जल कुछ भी ग्रहण नहीं किया। जब हर प्रकार से इंद्र ने प्रलय मचाकर देख लिया और यह भी देख लिया कि कैसे कृष्ण ने सभी ब्रजवासियों को अपनी शरण में सुरक्षित रखा हुआ है और किसी को भी जरा सी भी तकलीफ नहीं हो रही है, तब आखिरकार जाकर उनका घमंड टूटा। इंद्रदेव जो अभी तक भगवान कृष्ण को सिर्फ बालक मान रहे थे और यह सोचकर अपमानित महसूस कर रहे थे कि भला कैसे बालक के कहने पर ब्रजवासियों ने मेरी पूजा बंद कर दी, अब बड़े विनम्र होकर उन्होंने श्री कृष्ण से अपने अपराध के लिए क्षमा मांगी। तो यह था गोवर्धन पर्वत लीला का एक छोटा सा परिचय। अब उस बात को जानते हैं जिसके कारण भगवान गिरिराज जी को 56 व्यंजनों का भोग लगाया जाता है। वैसे दिवाली के अगले दिन ही गोवर्धन पूजा मनाई जाती है। इस दिन श्री कृष्ण को गिरिराज भगवान के रूप में पूजा जाता है और भक्तगण गाय के गोबर से भगवान की आकृति बनाते हैं और उनकी पूजा करते हैं। तो भगवान को 56 भोग दिए जाने के पीछे पहला कारण है कि यशोदा मैया अपने बालक कृष्ण को दिन में 8 पहर भोजन खिलाया करती थी, जबकि गोवर्धन पर्वत को उठाने के कारण उन्होंने 7 दिनों तक कुछ भी खाया पिया नहीं था। इस कारण जब पर्वत को उन्होंने नीचे रखा तब यशोदा माता ने उन 7 दिनों का खाना 8 पहर के अनुसार बनाया। अब 7 को 8 से गुना करें तो 56 अंक आता है। दूसरा कारण है कि जब गोवर्धन पूजा हो गई तब उसके बाद कृष्ण को 9 नंदों, 9 उपनंदों, 6 वृषभानुओं और उन सब की 24 पत्नियों और 8 सखियों ने एक एक व्यंजन का भोग लगाया था। ये सारी संख्या को जोड़ा जाए तो भी कुल संख्या 56 ही आती है। तीसरा कारण है कि श्री कृष्ण राधिका जी के साथ एक दिव्य कमल पर विराजते हैं। उस कमल की 3 परतें होती हैं। पहली परत पर 8 पंखुड़ियाँ, दूसरी परत पर 16 और तीसरी परत पर 32 पंखुड़ियाँ होती हैं। इन्हें जोड़ा जाए तो कुल 56 अंक बनते हैं। इसके अलावा श्रीमद् भागवत कथा के अनुसार जब भगवान कृष्ण को पति रूप में पाने के लिए गोपिकाओं ने पूरे 1 महीने कात्यायनी माँ की पूजा अर्चना की और हर रोज सुबह यमुना नदी में स्नान किया, उनकी ऐसी श्रद्धा देख श्री कृष्ण ने उनकी मनोकामना को पूर्ण किया। व्रत का फल मिलने के बाद सभी गोपिकाओं ने व्रत का उद्यापन करने के लिए श्री कृष्ण को 56 व्यंजनों का भोग अर्पित किया। तो दोस्तों, भगवान कृष्ण को लगने वाले 56 भोग की यह थी पूरी कथा। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो इसे प्लीज लाइक और शेयर करना ना भूलें। साथ ही चैनल लेट्स नो लॉर्ड कृष्णा को भी सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद। हरे कृष्णा।